हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको टैली में बताया था कि डेबिट नोट कैसे क्रिएट किया जाता है, प्लस डेबिट और क्रेडिट नोट को एनेबल करना बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रेडिट नोट कैसे एंट्री किया जाता है, प्लस उसमें GST के थ्रू बताऊंगा कि क्रेडिट नोट में आपको GST कैसे लगाना है। वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको आज क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट नोट ओपन करना आना चाहिए टैली में कि क्रेडिट नोट को कैसे ओपन किया जाता है। तो क्रेडिट नोट ओपन करने के लिए आपको टैली ओपन करना होगा, टैली ओपन करना है। उसके बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद आपको आगे जाना है थर्ड फोर्थ स्टेप में अकाउंटिंग वाउचर में, किसमें जाना है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आप जाओगे तो आपको वाउचर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F8, क्या होती है F8। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करना है, इससे कीबोर्ड से, कीबोर्ड से, ठीक। इसके बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करें यहाँ पे। सबसे पहले आपको अब ये बता दूं कि क्रेडिट नोट का जो यूज होता है, यूज इसका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, इसमें आप कौन सी एंट्री करोगे क्रेडिट नोट में, ठीक। तो इसका यूज होता है सेल्स रिटर्न, मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाएगा इसका यूज क्या हो जाएगा कि इसका यूज टैली में तब किया जाता है जब आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या वस्तु आप बेच देते हो, क्या करते हो, बेच देते हो। बेचने के बाद यदि वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाता है, क्या आता है, वापस आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करोगे, ठीक। जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी कस्टमर को, मान लो आपका कोई कस्टमर है राज नाम का, किसका, राज नाम का, ठीक। इसको आपने क्या किया, यहाँ पर 3 कंप्यूटर बेचे, कितने बेचे, 3 कंप्यूटर आपने इसको बेचे उधार में, किसमें बेचा, उधार बेचा आपने, क्या किया, राज को 3 कंप्यूटर उधार बेचा। इसमें से इसने आपको क्या किया, एक कंप्यूटर आपको क्या कर दिया, यहाँ पे ये आपको वापस कर देता है, क्या कर देता है, वापस, मतलब बेचा हुआ प्रोडक्ट जब आपके पास वापस आएगा तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना है, ठीक। इसके बाद आते हैं कि सबसे पहले आप जब अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर अवेलेबल है या नहीं, यहाँ साइड में आपको क्रेडिट और डेबिट नोट दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, एनेबल होना चाहिए। यदि आपके पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F8 बटन दबा रहे हैं लेकिन आपका क्रेडिट नोट विंडो में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे कौन सी सेटिंग अवेलेबल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, किसमें जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, किसमें, गेटवे ऑफ टैली में जाकर के आपको यहाँ पे F11 बटन प्रेस करना है, F11। इसके बाद आपको एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे कंपनी फीचर की, किसकी, कंपनी फीचर की। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग फीचर, तो आपको किसमें जाना है, अकाउंटिंग फीचर में इंटर करना है, किसमें, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पहला स्टेप। दूसरा आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 बटन दबाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है,
अकाउंटिंग फीचर में जाना है। किसमें? अकाउंटिंग फीचर में। जब आप अकाउंटिंग फीचर में जाओगे तो आपको कंपनी के फीचर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कंपनी लिखी मिल जाएगी। जैसे कोई भी आपने कंपनी जो सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि राम ट्रेडर्स एक क्या है, आपकी कंपनी है, राम ट्रेडर्स एक कंपनी है, तो आपको यहाँ पे कंपनी के फीचर यहाँ पे दो पार्टों में मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ फीचर रहेंगे, आपको जो है डेबिट और क्रेडिट नोट अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज डेबिट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का, जिसका क्रेडिट नोट का, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। क्या करना है? यस करना है। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन यहां मिलेगा यूज डेबिट नोट इनवॉइस वाला, और ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज क्रेडिट नोट इनवॉइस वाला। तो आपको ये तीन ऑप्शन क्या करना है, यस करना है। क्या करना है? यस करना है, और आगे इंटर बटन दबाते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको अकाउंटिंग वाउचर में क्रेडिट और डेबिट नोट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद आपको जाना है सीधा गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद जाना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में। इसमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो आप जैसे अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर की विंडो खुल जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर विंडो खुल जाती है यहाँ पे आपको, ठीक है। आपको जैसे अकाउंटिंग वाउचर विंडो खुलेगी, आपको शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल प्लस F8। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट नोट वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। आपको यहाँ पे देना है फर्स्ट, इसके बाद रहता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो आपको यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर देना है, जब आपने क्या किया था, सेल्स किया था। क्या किया था? सेल्स किया था। तो जो आपने इनवॉइस दिया था वही नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आ जाना है नीचे, आपका ऑप्शन रहेगा पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम का। इसके बाद आपका इसमें करंट बैलेंस बताएगा, और आ जाएगा सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आइटम दिया रहेगा, ठीक, क्वांटिटी रेट, और रहेगा आपका पर, आ जाएगा यहाँ पे आपका टोटल, ठीक। अब बात करें यहाँ पे कि एंट्री करने के लिए आपको एक यहाँ पे सेल्स लेजर भी लग रहा है। क्या लग रहा है? सेल्स। तो आपको लेजर क्या क्रिएट करना होगा, पहली लेजर आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न की लगेगी। किसकी लगेगी? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अंडर में क्या आता है इसके? सेल्स अकाउंट आता है। क्या आता है? सेल्स अकाउंट आता है। तो आपको एक लेजर किसकी क्रिएट करना होगा? सेल्स रिटर्न की। और एक लेजर आपको पार्टी में लगाने के लिए यहाँ पे, जिसने आपको, जो कस्टमर ने आपको क्या किया यहाँ पे, प्रोडक्ट वापस किया है। क्या किया है? प्रोडक्ट वापस किया है, उसकी लेजर आपको यहाँ पे एक लगेगी। जैसे मैं एक एंट्री यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने बोला कि राम ने तीन कंप्यूटर LG के वापस किया। क्या किया? वापस किया। तो आपने क्या है यहाँ पे, राम को तीन कंप्यूटर बेचे थे, और वो तीन के तीन कंप्यूटर आपके पास मान लो वापस आ जाते हैं। तो आप इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न में करोगे, ठीक है, मतलब होता है क्रेडिट नोट में, ठीक। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। तो आपको एक लेजर यहाँ पे राम का लगेगा। तो पार्टी अकाउंट नेम में किसका लेजर आ जाएगा? राम का। सेल्स लेजर में आपकी लेजर लगेगी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे आइटम में आ जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आइटम वापस आया है ये देना है आपको स्पेस बटन दबा करके। उसकी क्वांटिटी रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, जितना आपने जब सेल्स किया था वैसे ही आपको यहाँ पे रेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक यहाँ पे कंप्यूटर मान लो आपने 5000 का बेचा था, ठीक, यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी पर में कि क्या है, पीस है, ठीक, और टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पे 15000, ठीक।
आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि आपने जब बेचा था ठीक, तो उसमें आपने जीएसटी लगाया था या नहीं लगाया था। जीएसटी लगाया था तो आप जब उसको रिटर्न करोगे तो जीएसटी के साथ रिटर्न करना है। क्या करना है? जीएसटी के साथ। और यदि आपने जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाया उसका, तो आपको क्या करना होगा? जीएसटी नहीं लगाना। जैसे आपने जीएसटी लगाया है तो आपने जो जो जीएसटी लगाया था, जैसे आपकी जीएसटी क्या हो जाएगी, एक आईजीएसटी होती है ठीक है, दूसरी सीजीएसटी हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी एसजीएसटी ठीक। तो इनमें से आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगती है ठीक है। तो आपने जैसे लगाया होगा तो सीजीएसटी ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। तो आपको जीएसटी लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आइटम की एंट्री करोगे उसके बाद स्पेस बटन दबाना है। कौन सी? स्पेस बटन दबाना है। और उसके बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। क्या? एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट के बाद आपको फिर से स्पेस बटन दबाना होगा ठीक है। इसके बाद आप जैसे स्पेस बटन दबाओगे आपके पास यहाँ पे जीएसटी की लेजर ओपन हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो जीएसटी लगा देना है, सीजीएसटी ठीक है और एसजीएसटी। सीजीएसटी ठीक, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और इस प्रकार से क्या किया जाता है, क्रेडिट नोट में एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल का बताऊंगा कि क्रेडिट नोट में कैसे एंट्री किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।